कहते हैं जब प्रेम परवान चढ़ता है तो हर गलत भी सही लगने लगता है। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर में सामने आया, जहां एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बिना बताए अपने 2 साल की बच्ची को लेकर अपने पूर्व प्रेमी के पास चली गई और अब पुलिस अधीक्षक के सामने अपने प्रेमी के साथ हाजिर होकर साथ में रहने की गुहार लगा रही है। पुलिस अधीक्षक ऑफिस में बैठी ये महिला और युवक पुलिस अधीक्षक से साथ रहने की फरियाद लेकर आए। महिला पहले से शादीशुदा है और उसके पति से उसको 2 साल की बच्ची भी, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ आई और पुलिस अधीक्षक से युवक के साथ रहने की मांग को लेकर फरियाद कर रही है। हालांकि पीड़िता ने अपने पति पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाया, लेकिन वो ये भी कहती है कि हम दोनों पहले से ही प्रेम करते थे लेकिन शादी ना हो सकी। जी, मेरी ये शिकायत है कि मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ बहुत मारपीट करते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। कब से मारपीट करते हैं, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2017 में हुई थी, तभी से वो मेरे को किसी ना किसी बात को लेकर टॉर्चर करते रहते थे, तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, बहुत मारपीट की। और इस मामले में मेरे मायके वाले भी मेरे सपोर्टर नहीं हैं, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? किसके साथ रहना चाहती हैं? मैं योगेंद्र विश्वकर्मा के साथ रहना चाहती हूँ। ये कौन है? मैं इनसे 3 साल पहले मिली थी और मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से? रश्मि पटेल। कहाँ से आई? डोभी से। अजब प्रेम की गजब कहानी के दूसरे किरदार रश्मि के प्रेमी ने बताया कि उसकी रश्मि के शादी से पहले से संबंध थे, लेकिन परिवार वालों ने दूसरी जगह शादी कर दी, जिसकी वजह से दोनों खुश नहीं हैं और अब वो रश्मि के साथ उसकी बेटी को भी अपनाना चाहता है। रश्मि भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। नाम योगेंद्र विश्वकर्मा है, मैं तेंदुपड़ा का निवासी हूँ और रश्मि विश्वकर्मा से 3 साल पहले मेरे संबंध रहे। इस पर उनके घर वालों ने मेरी इनकी शादी नहीं होने दी, इनकी शादी और कहीं हो गई थी। इस चक्कर में 3 साल बाद इन्होंने मेरे को कॉल किया कि इनका हस्बैंड इनको टॉर्चर करता है और मारता है, तो इस चक्कर में इनसे बोला कि मैं आपका सहारा बनूंगा, उससे डिवोर्स लेकर आप मेरे साथ रह सकते हैं। तो अब साथ में रखना चाहते हैं? साथ में रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र विश्वकर्मा। नरसिंहपुर पुलिस भी अजीब मामले से हैरत में है। रश्मि के बिना बताए चले जाने पर परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और अचानक वो अपने प्रेमी के साथ सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर हाजिर हो गई। ये अभी मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। एक लड़की है जो जिसकी शादी जो है करीब 3 साल पहले हुई है, उसने ये कहा है कि अपने पति से परेशान होकर और किसी और लड़के के साथ वो चली गई है और उसके साथ ही आगे रहना चाहती है। उसकी एक वर्ष की एक बच्ची भी है, उसको भी साथ लेकर आई थी और वो उसका भी कहना यही है कि उस लड़के के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि दोनों के संबंध में थाना तेंदुखेड़ा में गुमनसान कायम है, तो इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। थैंक यू सर। हालांकि पुलिस भी अब पूरे मामले को लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज़, नरसिंहपुर।